हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की रहनुमाई में श्री गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान ननकाना साहिब के लिए 109 सिख श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। आज सिख यात्री कुरुक्षेत्र से अमृतसर के लिए रवाना हुए, कल वाघा बॉर्डर होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करेंगे। हम पाकिस्तान गुरुधाम गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर जा रहे हैं। वहाँ हमारा आज अमृतसर जाएंगे। अमृतसर से सुबह हम कल 25 तारीख को अटारी बॉर्डर से वाघा बॉर्डर होते हुए हम ननकाना साहब पहुँचेंगे। ननकाना साहब में वहाँ पर गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, वो प्रकाश पर्व मनाएंगे। वहाँ जाकर बहुत ही खुशी हमारे मन में है कि हम जाके वहाँ अपने गुरु गुरु नानक देव जी के पर्व पर जाके हम वहाँ दर्शन करें और वहाँ से पंजा साहब लाहौर करतारपुर के दर्शन करके 4 तारीख को हम वतन वापसी करेंगे। और हमारे को वहाँ के जो सरकार है बहुत ही वहाँ सुरक्षा, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था बहुत ही वहाँ पर अच्छे प्रबंध होते हैं। तो डर वगैरह लगता हमारे को कोई डर नहीं लगता। मैं 5वीं बार जा रहा हूँ, मेरे को कोई डर नहीं लगता। मैं तो सभी को यही कहता हूँ कि आप चलो मेरे साथ। उसके बाद मैं बहुत आदमी मेरे साथ गए। किसी को सौभाग्य मिलता है बाबा नानक के दर्शन, बहुत ही किसी को सौभाग्य मिलता है वहाँ दर्शन करने का। तो हमारे को तो बहुत उसकी गुरु नानक देव जी की कृपा है कि हम हर साल हर पर्व पे जाते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने हरियाणा प्रदेश से 109 भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को वीजा जारी किया है, जिसके चलते सिख तीर्थयात्रियों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।